Hello everyone. I'm Dr. Nilu Prasad, Director, Astha Lock Hospital, Astha IVF. आज हम चर्चा करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए हम डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर या डेवलपिंग जो फीटस है उसका कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो करके कोमॉर्बिड कंडीशन में आ गया हो। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट मेडिकली ऑन ट्रीटमेंट है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दवाई ले रहे हो। इन सारे कंडीशन में जो डेवलपिंग फीटर्स होते हैं उस पर रिस्क बना रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रेगनेंसी स्टेज में है लेकिन उसका हिस्ट्री है कि वो प्रीवियस जो उसका प्रेगनेंसी था उसका मिसकैरेज हो गया हो, या मिड टर्म उसका एबॉर्शन हो गया हो, या तो फिर आईयूडी, और या नहीं तो नियोनेटल डेथ, और ये सारे सिचुएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब हमें इस प्रेगनेंसी में इसको कैसे ट्रीट किया जाए तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो मरीज हैं उसे एक ऐसे सेंटर पर अपने को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, रजिस्टर्ड कराना चाहिए, जहां पर कि उनके जो परेशानियां हैं उनका पूरा इलाज टर्म तक हो सके, क्योंकि इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं और इसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर पर अच्छे से उपलब्ध होते हैं, या तो वो स्कैनिंग फैसिलिटी हो या इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी हो। अब हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट की प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर मिसकैरेज हुई है तो पहले हम उसका कारण ढूंढते हैं। अगर उसमें बच्चे का ग्रोथ ना रहा हो, अमनेटिक फ्लूड की अमाउंट ज़्यादा हो, प्री टर्म उसका वाटर लीकेज हो गया हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस प्रेगनेंसी में वो इंसिडेंस रिपीट ना हो। साथ ही साथ जो ट्विन प्रेगनेंसी है, जो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में जो ये समस्या प्री टर्म डिलीवरी की या फिर जो वाटर लीकेज की समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो हमें इसके लिए जो अर्ली वीक्स में हमें एक सरक्लास जो ऑपरेशन होता है जिसमें कि हमें जो सर्वाइकल रीजन में एक टांका लगाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हमारी 9 मंथ तक कंटिन्यू रहे और वो सेफ रहे। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि जो पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप किया है प्रेगनेंसी में, तो उसको इस सेंटर पर फ्रिक्वेंटली हम लोग आने की सलाह देते हैं ताकि हम उसके ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मेंटेन कर सकें और जो दवाई है, मेडिसिन है, उसको हम एडवाइस कर सकें। और डायबिटीज जैसे सिचुएशन जो प्रेगनेंसी में बहुत आम देखा जाता है, और ख़ास करके जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है उसमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी देखी जाती है, तो उसमें ज़रूरत है ब्लड शुगर लेवल को फ्रिक्वेंटली टेस्ट करने का, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसके शुगर को कैसे मेंटेन किया जाए, टेबलेट से किया जाए या इंजेक्शन से किया जाए, उसके लिए ये डॉक्टर का अपना एक एडवाइस होता है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि पेशेंट जो सेंटर पर नॉर्मली हम लोग मंथली इंटरवल पर बुलाते हैं, लेकिन जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में हम उसे 2 वीकली इंटरवल पर बुलाते हैं और स्कैनिंग करके देख पाते हैं कि क्या बच्चे का सारा ग्रोथ, एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट, और मदर का जो कंडीशन है वो पहले से इम्प्रूव कर रहा है या डिटोरिएट कर रहा है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर पर ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना, उसके लिए एक फ्रूटफुल आउटकम देना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। हम बात करेंगे कि अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर उसका मिसकैरेज हो रहा है, एक बार, दो बार नहीं, तीन बार मिसकैरेज हो चुका है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग थ्रू आउट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के पहले से ही हम लोग कुछ मेडिसिन भी सलाह करते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, और जो
कुछ मेडिसिन इम्पॉर्टेंट होती है ब्लड थिनिंग के लिए, जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई करती है और उसका वस्कुलरिटी को बढ़ाती है, ताकि जो डेवलपिंग फिटस है उसको अच्छा एक न्यूट्रिशन मिल सके, गुड न्यूट्रिशन में वो बढ़ सके, क्योंकि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का बहुत सारा इंसिडेंस भी देखा जाता है। और बताना चाहेंगे कि रिकरेंस प्रेगनेंसी लॉस ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है, अगर उसके बाद प्रेगनेंसी ठहरती है तो। इन सारे कंडीशन में सारे पेशेंट को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और उसका इलाज करना, ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर पर ही संभव हो पाता है। अब हम बताना चाहेंगे कि अगर प्रेगनेंसी ट्वीन हो और ट्रिपलेट हो तो क्या वैसे कंडीशन में हमारा जो मेडिसिन का सपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट है, वो किसी आम जगह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इन सारे समस्याओं को हमें किसी एक हायर सेंटर और टर्शियरी सेंटर और किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर पर ही इलाज करना ज्यादा उचित होगा। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो कंडीशन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो एंटीनेटल चेकर पर स्क्रीन करना और उसका सटीक इलाज करना। हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे वीडियो के द्वारा आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। धन्यवाद।